भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही लोगों की चंद्रमा में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर चंद्रमा से जुड़े कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ हम आपको चंद्रमा से जुड़ी 10 बातें बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, गोल नहीं है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, यह अंडाकार है। ऐसे में जब आप चांद की ओर देख रहे होते हैं तो आपको इसका कुछ ही हिस्सा नजर आता है। इसके साथ ही चांद का भार भी उसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं है, यह अपने ज्यामितीय केंद्र से 1.2 मील दूर है। नंबर 2, कभी पूरा नहीं दिखता चंद्रमा। अगर आप कभी भी चांद देखते हैं तो आप उसका अधिकतम 59% हिस्सा देख पाते हैं। चांद का 41% हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और 41% क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो आपको धरती दिखाई नहीं देगी। नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून से कनेक्शन। माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकातोआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में से गिना जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक इस धमाके की आवाज पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ मॉरिशस तक सुनी गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि राख भरी रातों में चांद नीला नजर आया। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 4, चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इसका मकसद सोवियत संघ को अमेरिकी सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट A119 था। नंबर 5, चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। चीन में एक प्राचीन धारणा है कि ड्रैगन के सूर्य को निगलने की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। इसकी प्रतिक्रिया में चीनी लोग जितना संभव हो उतना शोर मचाते हैं। उनका यह भी मानना है कि चांद पर एक मेंढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद इंपैक्ट क्रेटर यानी गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हैं। नंबर 6, पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इसे पेरिग्री कहते हैं, इस दौरान ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी हो जा रही है। नंबर 7, चंद्रमा की रोशनी। पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है। पूर्णमासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर की रोशनी चाहेंगे तो आपको 398-110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची ने पता लगाया था, कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह लगने लगता है। इसे हम अर्धचंद्र या फिर बालचंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा होता है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे ना के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ज्ञात इतिहास में लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। नंबर 9, चांद के क्रेटर का नाम कौन तय करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के केवल चंद्रमा के गड्ढों बल्कि किसी भी अन्य खगोल चीज का नामकरण करता है। चंद्रमा के क्रेटर्स के नाम जाने माने वैज्ञानिकों, कलाकारों या अन्वेषकों के नाम पर रखे जाते हैं। अपोलो क्रेटर और मेयर मास्कोविंस के पास के क्रेटर्स के नाम अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मास्कोविंस चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते। एरिजोना के लॉवेज ऑब्जर्वेटरी ऑफ फ्लैगस्टाफ ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इसमें भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है चांद चीज से बना हुआ है। नंबर 10, चांद का रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसे बेहद रहस्यमय माना जाता है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।